हेलो व्यूअर्स आई एम ज्योति प्रजापति स्टूडेंट एट श्रीराम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेरठ आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन एन औषध योग दैट इज़ सितोप्लादि चून होप समन फाइंड्स दिस हेल्पफुल सीतोपलादिचून इज मेन्शंड इन चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय एट इन श्लोक नंबर वन हंड्रेड थ्री एंड वन हंड्रेड फोर लेट्स सी सीतोपलागा क्षीरीम पिपलि बहुलाम तव अदर्धव द्विगुणित येन मधुसर्पिषा चूर्णित वा तच श्वास काफ्आतुर सुप्तजिहोचकीन अल्प आग्न पार्श्शूलिन इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द इंग्रेडिएंट्स डोज अनुपान एंड थेरेपेटि यूज ऑफ चूर्ण. ओके सो लेट्स बिगिन अब हम इसके इंग्रेडिएंट तथा उसकी ट्रिक के बारे में बात करें तो इसके घटक द्रव्य इसके नाम में ही छिपे हैं आइए इसे डी करके समझते हैं सी से सिता, अर्थात मिश्री तो से तुंगाक्षीरी अर्थात वंशलोचन प से पिपली ला से एला सूक्ष्मला अर्थात छोटी इलायची दी से दालचीनी अब इनकी मात्रा की बात करें तो हम इन्हें अंत से ऊर्ध्व अर्थात आगे की ओर द्विगुण मात्रा में लेते हैं अर्थात दालचीनी एक भाग ऐला दो भाग पिपली चार भाग वंशलोचन आठ भाग सिता सोलह भाग इन सभी द्रव्यों को अलग अलग इमाम दस्ते में कूट वस्त्र से छान चूर्ण बनाकर सभी को अच्छी तरह मिलाकर कांच के या किसी भी एयरटाइट कंटेनर में सुरक्षित रखते हैं अब बात करते हैं इसकी डोज अर्थात मात्रा तथा अनुपान की डोज तीन से छ ग्राम अनुपान घृत और शहद अब बात करते हैं कि सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग किन किन व्याधियों में करते हैं तो इसे हम ऐसे याद रखते हैं जैसे कि इसके नाम में ही सीता वर्ड आ रहा है तो सीता जी कौन थी राम जी की पत्नी अर्थात उनकी गृहिणी और गृहिणी अर्थात ड्यूडेनम हमारे जीआईटी का एक पार्ट है तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे अरुचि अग्निमांदे में चूर्ण का प्रयोग करते हैं तथा अग्निमांदे से ज्वर की उत्पत्ति होती है तो ज्वर में तथा ज्वर से ही रिलेटेड कास श्वास प्रतिश्चाय तथा राजक्षमा आदि रोगों में हम रोगी को सीतोप्लादी चूर्ण देते हैं तो इस प्रकार हम चूर्ण को याद रख सकते हैं थैंक यू नाइस डे